नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 30x40 में घर के नक्शे की, जो कि एक साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण मुखी घर का नक्शा है। और किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि 30x40 में 4 BHK प्लान करना है उनको, तो उसी के लिए मैंने ये प्लान बनाया है। और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने पूरा प्लान एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपका भी घर का प्लॉट का एरिया 30x40 है और साउथ फेसिंग है, तो आपको इस प्लान से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना घर प्लान करने के लिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधे चलते हैं हमारे प्लान की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से इस घर को प्लान किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा आज का 30x40 का प्लान, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 30 फिट है। और यहाँ से आप ऐसे पीछे की तरफ अगर इसकी लंबाई नापेंगे तो वो कितनी है, वो 40 फिट है। अब दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी प्लान को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो जिससे कि अगर आपका भी प्लॉट एरिया सेम रहेगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी अपना घर प्लान करने का, एक आइडिया लेने के लिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये हमारे घर की मेन एंट्री हो जाती है। मेन एंट्री से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो एक 7 फिट 3 इंच चौड़ाई का हमको सामने पोर्च सा मिल जाता है। इसी पोर्च में से हमने क्या किया है, फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयरकेस दिया है यहाँ पर। ये तो हुआ हमारा पोर्च। अब यहाँ से हम जब और अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे तो देखिए लॉबी आ जाएगी हमारी। लॉबी का साइज़ रखा है हमने 6 फिट 8 इंच बाय 8 फिट। इसी लॉबी में से एक तो इस बेडरूम में जाने के लिए एंट्री है, बेडरूम 2। बेडरूम 2 का साइज़ है हमारा 10 फिट 11 इंच। फिर दोस्तों यहाँ पे एक टॉयलेट दिया हमने कॉमन, इस टॉयलेट का साइज़ है हमारा 7 फिट बाय 4 फिट 4 इंच। अब लॉबी से हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो आता है हमारा हॉल। हॉल देखिए काफ़ी बड़ा हॉल है, 16 फिट 1 इंच बाय 11 फिट का हॉल रखा है हमने यहाँ पे। हॉल में से ही दोस्तों एक एंट्री हमारी किचन की तरफ हो जाती है और किचन का साइज़ है हमारा 11 फिट बाय 8 फिट। फिर दोस्तों इसी हॉल में से एक एंट्री हमारी हो जाती है बेडरूम 3 में। बेडरूम 3 का जो साइज़ है हमारा वो है 12 फिट बाय 11 फिट। एक एंट्री हमारी रहेगी बेडरूम 1 में, एक बेडरूम 4 में। बेडरूम 1 का साइज़ है दोस्तों हमारा, थोड़ा सा मैं पीछे और ले लेता हूँ, बेडरूम 1 का साइज़ है हमारा 11 फिट 4 इंच बाय 11 फिट और बेडरूम 4 का साइज़ है हमारा 12 फिट बाय 11 फिट। इन दोनों के बीच में दोस्तों हमने कॉमन टॉयलेट और यहाँ पे दिया है। ये जो टॉयलेट है इसका साइज़ भी हमने रखा है 4 फिट 4 इंच बाय 7 फिट। तो दोस्तों इस तरह से हमने 30x40 का जो घर है इसको प्लान किया है। एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाएँ, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी आपको कैसा लगा है मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर प्लान पसंद आया है तो इसको, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना घर प्लान करवाने के लिए, वो भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।